हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एम्ब्रेस द आई एग्जाम बी लर्निंग एक्सपीरियंस। फ्रॉम द टाइटल यू कैन गेस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड यू माइट ऑलरेडी नो दैट दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर और अ क्वेरी फॉर यू। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जाम इन योर ओपिनियन? क्या चाहिए? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। चाहे वो सेबी का एग्जाम हो, IBPS का एग्जाम हो और इंटरनल इंश्योरेंस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, क्लियर करने के लिए हार्डवर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क? एंड यू मे ऑलरेडी नो द आंसर टू दिस, बट स्टिल गिव मी 2 मिनट्स ऑफ योर्स एंड लेट्स डिस्कस दिस अगेन। इन माई ओपिनियन, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, बट दैट डजेंट मीन दैट हार्डवर्क रिक्वायर्ड ही नहीं है, मेहनत करनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बट अपनी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना है, एंड वॉट डू आई मीन बाई दैट? हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क? सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग काम करते हैं, एवरी एस्पिरेंट इज गिविंग देयर बेस्ट, वर्किंग हार्ड टू क्लियर द गवर्नमेंट एग्जाम, टू क्लियर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देन वॉट डू आई मीन बाई वर्किंग स्मार्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, स्मार्ट वर्क डजेंट मीन दैट यू लुक फॉर शॉर्टकट्स, एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो डजेंट मीन दैट यू स्किप द बेसिक्स। दीज टू आर नीदर अ पार्ट ऑफ हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट वर्क। आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, लास्ट के 10 दिन में आपने पढ़ाई की है, या नोटिफिकेशन आने के बाद आप सोच रहे हैं कैसे पढ़ें, और लास्ट के 20 दिन में आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। आप कहीं से सिर्फ क्वेश्चन मॉड्यूल्स को लेकर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, दैट इज नीदर हार्ड वर्क नॉर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स स्टडिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। अब आपको भी पता है सेबी के एग्जाम में फेज वन सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनफैक्ट सभी एग्जाम्स में फेज वन क्वालिफाइंग होता है, बट सेबी में और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर है। आपको सिर्फ 80 मार्क्स चाहिए फेज वन में, और पेपर वन विच इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, उसमें सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए। सो इट इज यूजलेस टू स्पेंड ऑल द टाइम ऑन QREGA। आप बहुत ज्यादा मार्क्स भी ले आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? आप अगर फेज वन में 80 मार्क्स ले आते हैं तो आप फेज टू में जाएंगे, अब वो 80 आए या 150 आए, आपके पेपर वन में 30 से 40 आ गए, चलो ठीक है, आपने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लिए। अब अगर आप उसे 40 से 70 ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू स्टडी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब देखकर आपको पढ़ना चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेवल समझने के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए, यू शुड ऑलवेज विजिट, ऑलवेज सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स। दिस गिव्स यू एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट आई मेंट बाय वर्किंग स्मार्ट। किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब देखना होता है। ऑल्सो स्टडी स्मार्ट मीन्स स्टडिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट देयर कुड बी एन अनसर्टेनिटी, कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट नियरली इस रेंज में रहता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, यू हैव टू प्रिपेयर। सेबी में फेज टू में आपको अच्छा स्कोर करना है। अब वहां पर अगर आपका कम आया, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम, सो यू हैव टू अकॉर्डिंगली प्रिपेयर। ऑल दीज विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर स्मार्ट स्टडी, बट इट डजेंट मीन हार्डवर्क नहीं करना है। हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड। आपको पूरा सिलेबस करना है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, डेप्थ डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन भी करना है। दैट ऑल इज हार्ड वर्क, बट जस्ट कॉम्प्लीमेंट इट विद द स्मार्ट वर्क। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए। देर आर सो मेनी एग्जाम्स लाइंड अप, आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट दीज इन माई मल्टीपल वीडियोज। यूज ऑल दीज अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज टू योर एडवांटेज and try to get in your dream job. Elections are getting over. Elections are going to be concluded in 15 days. The buffer period which you got from the date of notification till the exam, which usually was 40-45 days, which was extra time allotted to you because of elections, now is going to get over soon. How much you have utilized this time depends on you. I am not questioning on that. अब आपने जो टाइम जा चुका है उसको जैसे यूज किया है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट स्टिल 15 डेज हैं। जून, जुलाई, अगस्त विल बी लाइंड अप विद एग्जाम्स, विल बी लाइंड अप विद अपॉर्चुनिटीज। हाउ यू आर गोइंग टू यूज ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज टू योर एडवांटेज इज इन योर हैंड। बी प्रिपेयर्ड, गिव योर बेस्ट, गुड लक। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो।
If you are looking for any guidance, study material, mock tests, practice questions, you can check out our various courses. You can enroll with iExamB and make your preparation 50% faster. Subscribe to our channel. Stay tuned.